खबर पौड़ी से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन पौड़ी में किया मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन। आगामी त्योहारी सीजन में सभी थाना प्रभारियों को चौकसी बरतने के निर्देश दिए। एसपी श्वेता चौबे द्वारा पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसपी ने सभी थाना प्रभारी को आगामी त्योहारी सीजन में नवरात्र, दशहरा, वाल्मीकि जयंती आदि में जुलूस, शोभा यात्रा, रामलीला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील स्थानों पर प्रभावित गश्त करने तथा पिकेट लगाने व लगातार स्वयं पेट्रोलियम करने के लिए निर्देशित किया गया। बता दें कि वर्तमान मुख्यालय स्तर से भू माफिया और ड्रग्स माफिया, नौकरी लगने, विदेश भेजने एवं चिट फंड आदि के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि विभिन्न उपयोगी में 48 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है व 7 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की। बताया गया कि अभियान के तहत लंबित अभियोगों के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सभी थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। छठे महीने के क्यों पड़े हुए, इसको देखो। आपके यहाँ छठे महीने के पड़े हुए दो आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए, नवरात्र का पर्व भी है और दशहरा भी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है, सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अपने अपने क्षेत्र में कोई ऐसी जगह जहां पूर्व में कहीं विवाद रहा हो उसको एक बार देख लें, उसको सॉर्ट आउट कर दें। और इसके अलावा पीस कमेटी की बैठकें भी जो हैं वो अपने थाना क्षेत्रों में अवश्य बुलवा लें। हर जगह रामलीला का मंचन होता है और उसके अलावा शोभा यात्रा भी निकाली जाती हैं और मुख्य दशहरा वाले पर्व के दिन रावण दहन भी होता है। प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से अपनी पूरी तैयारियां कर ले। लगातार त्योहारी सीजन है तो सभी को बोला है ट्रैफिक मैनेजमेंट बढ़िया रखें, लोगों को असुविधा ना हो, पेट्रोलिंग रहे, थाना प्रभारी स्वयं जो है वो गश्त पे निकले। और इसके अलावा जो है, चूंकि हमारे छात्र संघ के चुनाव भी हैं यूनिवर्सिटी में, पौड़ी कैंपस में और श्रीनगर में, उसके लिए सभी थाना प्रभारी जिनको ड्यूटी लगी है प्रॉपर उनकी ब्रीफिंग की गई है। कहीं पे भी लिंगदो कमेटी के गाइडलाइंस जो हैं उनका पालन किया जाए और कहीं कोई ऐसी कानून व्यवस्था संबंधी कोई दिक्कत नहीं आए, सभी अलर्ट रहें, इस संदर्भ में भी निर्देश दिए गए। जो है समीक्षा क्राइम पे और जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है, NBW और BW की तामीली है, उसकी भी समीक्षा की गई। कहीं ना कहीं देखा गया जो प्रिवेंटिव की कार्रवाई है हमारी NDPS या एक्साइज एक्ट को लेकर, वो संतोषजनक कुछ थाना क्षेत्रों में नहीं पाई गई। उन थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए, क्षेत्राधिकारियों की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है कि जो भी आबकारी से संबंधित या NDPS है उसमें कार्रवाई में और अधिक उसको और सुदृढ़ करें। मैंने बताया कि ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर, ताकि आम जन को असुविधा ना हो, इस संदर्भ में निर्देश सभी को दिए गए हैं। और जहाँ जहाँ हमारी छोटी छोटी हमको पार्किंग्स मिलेंगी वहाँ वाहनों को पार्क करवाया जाएगा। चूंकि लगातार इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, रामलीला का मंचन होता है, लोग आते हैं, तो उनके भी वाहनों को कहाँ पार्क करवाया जाए उस संदर्भ में भी प्रॉपर एक प्लानिंग कर ली जाएगी। मैम देखा गया जो उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है उसमें जांच के लिए संबंधित प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिए गए थे और उसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विवेचना जारी है और विवेचक द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं उसके हिसाब से ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर भारत वर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।